हम सभी जानते हैं कि किसी भी आदमी या औरत के लिए, समाज और देश के लिए शिक्षा अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का रास्ता है, तरक्की की सीढ़ियां हैं। अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षा दिया तो वह आज मासूम है, कल बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, जनसेवक, उद्योगपति, समाज नायक बन सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्वराज का अभाव है। गरीब बच्चों के लिए अलग पढ़ाई, अमीर बच्चों के लिए अलग पढ़ाई, गांव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई, बेटियों की पढ़ाई और बेटों की पढ़ाई, यह सब स्वराज का अधूरापन है। फिर ऊंचे दर्जे की पढ़ाई के लिए तो हजार में से 150-200 ही विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। अब तो 90% नंबर पाने वाले बच्चे भी दाखिले के लिए दर दर भटकते हैं। फिर अध्यापकों की भर्ती में, कुलपति पद की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार के किस्से आम हो गए हैं। व्यापम घोटाले ने तो साबित कर दिया है कि शिक्षा और रोजगार की दुनिया में भ्रष्टाचार ने सरकार के निगरानी में अपने पांव जमाए हैं। साथियों, शिक्षा स्वराज भारत की जरूरत है। गांधी, जाकिर हुसैन, श्री अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन तमाम लोगों के योगदान के बावजूद हमारी शिक्षा में स्वराज नहीं आ पाया है। हम भाषा, पैसा और इलाके की दीवारों में बंधे हुए हैं, बंद हैं। शिक्षा स्वराज के लिए एक राष्ट्रीय पहल की जरूरत 21वीं शताब्दी की चुनौती है। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है और मुल्क में एका कायम करना है, नौजवानों के भविष्य को रोशन रखना है, तो शिक्षा स्वराज आज की जरूरत है। आइए शिक्षा स्वराज के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कदम बढ़ाएं।